भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजे ने एक बार फिर से सर उठा लिया। मोदी सरकार ने बीजिंग पर लद्दाख सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम लगा दिया, जबकि चीन ने सरहदी इश्तियाल अंगेजी का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। भारतीय हुकूमत ने लद्दाख सेक्टर में चीन की जानब से सरहदी खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम आयद किया है। भारतीय वजारत दिफा की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में अमन मुजाकरात के दरमियान चीन की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि लद्दाख सेक्टर में पेंगोंग सो झील के करीब चीनी अफवाज की तरफ से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब इश्तियाल अंगेजी की गई है। दूसरी जानब चीन ने भारतीय इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीनी सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं की। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरहदी एहलकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पासदारी करते हैं।